तो फर्स्ट मॉडल हम देख रहे हैं यूज केस मॉडल. यूज केस मॉडल यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन ऑल एलिमेंट्री बिजनेस प्रोसेसेस दैट सिस्टम मस्ट सपोर्ट. तो यूज केस मॉडल्स में हम क्या करते हैं, उन सारी बिजनेस प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई और डिफाइन करते हैं जो सिस्टम को सपोर्ट करती है. यानी मेन ऑपरेशंस जो प्रोसेस परफॉर्म करेंगी किसी यूजर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम इसमें यूज केस मॉडल्स में पढ़ेंगे. और उसका एग्जांपल है यूज केस डायग्राम. तो यूज केस क्या होता है, यूज केस इज ए सिनेरियो बाय विच यूजर कैन यूज द सिस्टम. ये बताता है कि कैसे कोई यूजर जो है, जो हम सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं, डेवलप करने वाले हैं, उसको कैसे वो यूज करेगा. एंड पिक्टोरिकली वी रिप्रेजेंट दी सिनेरियोज बाय यूज केस डायग्राम. तो यूजर एक सिस्टम को, जो सिस्टम डेवलप करने वाले हैं हम, उसको कैसे एक्सेस करेगा, कैसे यूज करेगा, उसके पूरे स्टेप्स को हम किसमें पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग यूज केस डायग्राम. तो सिस्टम कैन हैव मल्टीपल यूज केसेस. एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूज केस डायग्राम. तो थ्री मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज केस डायग्राम में यूज होते हैं. फर्स्ट होता है एक्टर, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो यूजर हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ऐसा कोई भी यूजर जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने वाला है वो एक्टर होता है. या कह सकते हो एनीथिंग दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री. सिस्टम बाउंड्री के आउटसाइड जितना भी होगे, सिस्टम बाउंड्री के आउटसाइड जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, एक्टर. और एक्टर्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, होते हैं प्राइमरी एक्टर्स और एक होते हैं सेकेंडरी एक्टर्स. प्राइमरी एक्टर्स क्या होते हैं, हु इनिशिएट अ यूज केस, जो यूज केस को इनिशिएट करते हैं. जैसे एटीएम मशीन की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग जो हैं यूजर हैं, हम पैसे निकालने जाते हैं एटीएम मशीन से. एटीएम मशीन क्या सिस्टम, तो हम ये एक्शन इनिशिएट करते हैं कि हमें मनी जो है वो विड्रॉ करनी है एटीएम मशीन से. तो हम जो है वो प्राइमरी एक्टर है, ठीक है. या फिर कह सकते हो कि जो वहां पर मेंटेनेंस इंजीनियर आते हैं, तो मेंटेनेंस इंजीनियर भी जो है वो एक्टर्स हैं. क्यों, क्योंकि वो भी एटीएम मशीन को मेंटेन करने के लिए जो है, या उसमें मनी फिलअप करने के लिए आते हैं, तो वो भी इनिशिएटर्स हैं, यानी प्राइमरी एक्टर्स हैं. तो प्राइमरी एक्टर्स क्या होते हैं, जो यूज केस को इनिशिएट करते हैं, ठीक है. जैसे मैंने बताया यूजर हम लोग हैं या मेंटेनेंस इंजीनियर है वो. सेकेंडरी एक्टर क्या होता है, हु कैन हैव इन्वॉल्वमेंट इन अ यूज केस. इन्वॉल्वमेंट इन अ यूज केस यानी जैसे आप एटीएम को एक्सेस कर रहे हो, तो जो भी एक्सेस कर रहे हो वो सर्वर से कनेक्शन हो रहा है. विद द हेल्प ऑफ सर्वर जो है, आप उसमें से उसकी इंक्वायरी कर पा रहे हो बैलेंस की, उसमें से अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवा पा रहे हो. तो जो सर्वर है उसका सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है, वो कोई इनिशिएट खुद से नहीं करता कि मुझे मनी निकालना है या मनी शो करना है. तो जो इन्वॉल्व रहता है एक्टर वो सेकेंडरी एक्टर, और जो इनिशिएट करता है वो प्राइमरी एक्टर. फिर यूज केस जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप में. और यूज केस क्या होता है, फंक्शनैलिटी और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. वो सारी फंक्शनैलिटी और सर्विसेज जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा वो क्या होता है, यूज केस, ठीक है. जैसे आप लॉग इन करोगे एटीएम को, ठीक है, आप मनी विड्रॉ करोगे, तो ये सारे यूज केसेस हैं, ठीक है. एटीएम मशीन में हम लॉग इन कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं, हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम बैलेंस इंक्वायरी ले सकते इंक्वायरी कर सकते हैं. तो ये सारी फंक्शनैलिटी है जो एटीएम हमें प्रोवाइड करता है. तो यूज केसेस वो सारी फंक्शनैलिटी और सर्विसेज हैं जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज रिलेशन. इट शोज रिलेशन बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम, ठीक है. तो एक्टर्स एंड द सिस्टम आप कह सकते हैं एक्टर्स एंड यूज केस. तो यूज केस और एक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो हम शो करते हैं. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन बिटवीन यूजर एंड द यूज केस. तो यूजर और यूज केस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन यूज केस एंड यूजर. तो ये रिलेशन है. जैसे यूजर है वो लॉग इन कर रहा है एटीएम मशीन में, तो ये रिलेशन है. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम बाउंड्री से. यानी एक रेक्टेंगल बनाते हैं उसके आउटसाइड, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बाउंड्री. अब नेक्स्ट क्या है कि वन यूज केस कैन बी कनेक्टेड टू अनदर यूज केस विद द हेल्प ऑफ टू रिलेशंस.
एक यूज केस जो है वो दूसरे यूज केस से दो टाइप की रिलेशन रखता है, एक होती है एक्सटेंड रिलेशन और एक होती है इंक्लूड रिलेशन। हम दो यूज केसेस की बात करें, यूज केस वन और यूज केस टू, इन दोनों के बिटवीन जो है दो टाइप की रिलेशन होती है, एक एक्सटेंड और एक इंक्लूड, दोनों नहीं होंगी, या तो एक्सटेंड रिलेशन होगी या इंक्लूड होगी। तो एक्सटेंड रिलेशन क्या होती है, इट शोज एन ऑप्शनल बिहेवियर, ये ऑप्शनल बिहेवियर को शो करता है। जैसे आपने कोई टिकट बुक करी, ठीक है, या आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद रहता है कि आप हमें रेटिंग करिए, तो रेट करना कंपलसरी है क्या, नहीं है, वो ऑप्शनल है। तो वैसे ही आपने टिकट करी किसी वेबसाइट से और वो बोल रहे हैं हमें फीडबैक दो, तो आप फीडबैक दो या नहीं दो ये कंपलसरी है क्या, नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो ये क्या शो करता है, ऑप्शनल बिहेवियर शो करता है। एक्सटेंडेड यूज केस इज एन ऑप्शनल यूज केस, तो बेस यूज केस होगा और एक एक्सटेंडेड यूज केस होगा, तो जो एक्सटेंडेड यूज केस होगा वो ऑप्शनल होगा। बेस यूज केस इज कम्प्लीट बाय इटसेल्फ, और बेस का यूज केस जो होगा वो कम्प्लीट बाय इटसेल्फ होगा, और एक्सटेंडेड यूज केस ऑप्शनल है। अगर आप वो ऑप्शनल ऑप्शन शो करना चाहते हो अपने यूज केस डायग्राम में, तो आपको उनके बीच में एक्सटेंड रिलेशन रखनी पड़ेगी। और उसको कैसे शो करते हैं, एक्सटेंडेड यूज केस से ये लाइन जाती है बेस यूज केस, जैसे बुक टिकट और फीडबैक, तो फीडबैक से बुक टिकट के पास ये लाइन जाएगी डैश फॉर्म में, और एरो किसकी तरफ होगा, बेस यूज केस, यानी ये खुद से ही कंप्लीट है। आप बुक टिकट करना चाहते हो, आप फीडबैक दो या नहीं दो, ये ऑप्शनल है। और जो इंक्लूड रिलेशन होती है, इट शोज मैंडेटरी बिहेवियर, ठीक है, जैसे आपने एटीएम आपको यूज करना है, ठीक है, तो आप मनी विड्रॉ कर रहे हो, आप विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको जो है आपको पिन एंटर करनी ही पड़ेगी, बिना पिन एंटर किए हुए विड्रॉ हो सकती है क्या मनी, नहीं हो सकती, यानी विड्रॉ यूज केस जो है वो विदाउट पिन यूज केस के इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए ये शो क्या करता है, मैंडेटरी बिहेवियर। और इसमें जो इसमें भी बेस यूज केस होगा और इंक्लूडेड यूज केस होगा, तो बेस यूज केस इज इनकम्प्लीट बाय इटसेल्फ, बिना इंक्लूडेड यूज केस के वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, एंड इट रिक्वायर्स इंक्लूडेड यूज केस टू कम्प्लीट इट्स फंक्शनैलिटी, और उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, इंक्लूडेड यूज केस की जरूरत पड़ेगी टू कम्प्लीट इट्स फंक्शनैलिटी। तो अगर विड्रॉ कर रहे हो आप मनी, इसका यूज केस है, तो इसमें ये किस पे डिपेंडेंट है, पिन वाले यूज केस पे, एंटर पिन वाले यूज केस पे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूड, और एरो कहाँ से है, विड्रॉ से डॉटेड डैश फॉर्म में इंक्लूडेड यूज केस की तरफ, तो बेस यूज केस से एरो कहाँ जाएगा, इंक्लूडेड यूज केस में, और डैश लाइन होगी और ऊपर लिखा होगा इंक्लूडेड। तो जो एक्सटेंड रिलेशन होती है वो दो यूज केस के बीच में ऑप्शनल होती है, लाइन जाती है, एरो जाता है एक्सटेंडेड यूज केस से बेस यूज केस की तरफ, और इंक्लूड रिलेशनशिप कंपल्सरी वाली होती है, बेस यूज केस जो है उसके बिना वर्क कंप्लीट नहीं कर सकता है अपना, और एरो बेस यूज केस से इंक्लूडेड यूज केस की तरफ जाता है। थर्ड क्या है, जनरलाइजेशन, यहाँ पर हम जनरलाइजेशन का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं यूज केसेस में। और जनरलाइजेशन में क्या होता है कि एक मेन क्लास होती है और उसकी जो होती हैं उसकी सब क्लासेस होती हैं। तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही पढ़ा था, इसमें भी क्या होता है, बेस यूज केस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट यूज केस होता है, मोर स्पेशलाइज यूज केसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेस यूज केस क्या होता है, जनरलाइजेशन में एक एब्स्ट्रैक्ट यूज केस होता है, जैसे मैंने कहा विड्रॉ, मनी विड्रॉ, तो मनी विड्रॉ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन मनी विड्रॉ भी हमें पता है कि जो कर सकते हैं वो या तो करेंट से कर सकते हैं या सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं, तो मोर स्पेशलाइज्ड फॉर्म में हमें उसे लिखना होता है, तो हम उस केस में जनरलाइजेशन करते हैं। तो जो बेस यूज केस होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे हमने कहा शेप, तो शेप जो है इसके कोई फीचर्स होते हैं कि इनकी कोई वैल्यूज होती है क्या, नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा सर्कल, तो सर्कल में क्या हो सकती है, रेडियस हो सकती है उसकी, हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या चाहिए होता है, साइड चाहिए होता है उसका, उसकी वैल्यूज क्या होती है, साइड पैरामीटर्स होते हैं, हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी शेप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, एक जनरल क्लास है, और उसकी जो मेन क्लासेस हैं जिनकी वैल्यूज रहेंगी, स्पेशलाइज्ड क्लासेस जो होंगी जिनकी वैल्यूज रहेंगी, वो सर्कल और स्क्वायर रहेगा जिनकी वैल्यूज रहेंगी। तो यहाँ पर भी बेस यूज केस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट यूज केस होता है, मोर स्पेशलाइज्ड यूज केसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग,
तो इसमें स्पेशलाइज यूज केस की जरूरत होती है उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। अब नेक्स्ट है रूल्स टू ड्रॉ यूज केस डायग्राम। कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम यूज केस को ड्रॉ करते हैं। तो हम यूज केसेस को इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर रखते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर यूज केसेस होते हैं और एक से ज्यादा मतलब मल्टीपल यूज केसेस होते हैं एक सिस्टम के अंदर। यहाँ पर हम उस सिस्टम का नेम रखेंगे, जो भी नेम होगा वो यहाँ पर लिखते हैं और उसके अंदर यूज केसेस रखते हैं। और प्राइमरी एक्टर्स जो होंगे, जो सिस्टम को इनिशिएट करते हैं, वो किस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड। और जो सेकेंडरी एक्टर्स होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम में बट इनिशिएट नहीं करते हैं, उनको राइट साइड रखते हैं। यानी प्राइमरी एक्टर्स हमेशा लेफ्ट साइड लिखने हैं, सेकेंडरी एक्टर्स हमेशा कहाँ रखने हैं, राइट साइड। जैसे मैंने आपको एटीएम का एग्जांपल बोला था, तो यूजर और मेंटेनेंस इंजीनियर ये इस सिस्टम को इनिशिएट कर सकते हैं, तो ये प्राइमरी एक्टर्स हैं। और जो सर्वर है वो सिर्फ इसमें इन्वॉल्व है, तो वो सेकेंडरी एक्टर रहेगा। और कौन सा एक्टर किस यूज केस को इनिशिएट कर रहा है वहां पर आएगा। जैसे ये यूजर वन है, तो यूजर वन यूज केस वन और यूज केस टू दोनों को यूज कर रहा है, जबकि यूजर टू जो है वो सिर्फ यूज केस टू को यूज कर रहा है। और जो सर्वर है, यानी ये जो सेकेंडरी एक्टर है, वो दोनों यूज केसेस में इन्वॉल्व है। तो इस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं। स्टेप्स यूज टू क्रिएट यूज केस डायग्राम। तो यूज केस डायग्राम को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई एक्टर्स, एक्टर्स में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टर्स, कि कौन से प्राइमरी एक्टर होंगे, कौन से सेकेंडरी होंगे। फिर आइडेंटिफाई यूज केसेस, यूज केसेस कौन कौन से होंगे, मेन वो वाले मेन यूज केसेस हम फाइंड आउट करेंगे। फिर आइडेंटिफाई इंक्लूड एंड एक्सटेंड यूज केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जनरलाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स देखेंगे कि कौन सा एक्टर जो है किस यूज केस को एक्सेस करेगा, इनिशिएट करेगा, वो देखेंगे। उसके बाद हम फाइनली ड्रॉ करेंगे यूज केस को यूजिंग सिस्टम बाउंड्री। तो हम एग्जांपल देख रहे हैं यूज केस डायग्राम फॉर एटीएम मशीन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई एक्टर्स। तो एक्टर कौन कौन सा होगा, यूजर और मेंटेनेंस इंजीनियर जो होंगे वो प्राइमरी एक्टर होंगे, और जो सर्वर होगा वो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी एक्टर। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे यूज केसेस। तो हम अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, पिन रीसेट कर सकते हैं, और मेंटेनेंस जो मेंटेनेंस इंजीनियर होगा वो मेंटेनेंस कर सकता है। तो हमने ये फोर यूज केसेस इसमें डिफाइन करेंगे कि सिस्टम जो है ये फोर फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फिर आइडेंटिफाई करेंगे हम इंक्लूड एंड एक्सटेंड यूज केसेस। तो इंक्लूड एक्सटेंड यूज केस कौन सा लेंगे हम, प्रिंट रिसिप्ट। तो जैसे कोई यूजर आता है, जैसे हम जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम रिसिप्ट प्रिंट करें, और ये हमारे ऊपर ऑप्शनल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो ये एक्सटेंड रहेगा। तो अगर आप मनी विदड्रॉ कर रहे हो तो आप प्रिंट रिसिप्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो विदड्रॉ के लिए प्रिंट रिसिप्ट जो है वो ऑप्शनल बिहेवियर रखता है, इसीलिए ये एक्सटेंड रिलेशन है, किसके बिटवीन, विदड्रॉल एंड प्रिंट रिसिप्ट के बीच में। और एंटर प्रिंट जो है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि चाहे आप मनी विदड्रॉ करो, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहो, चाहे आप पिन रीसेट करना चाहो, या मेंटेनेंस इंजीनियर मेंटेनेंस करना चाहे, उन सभी को तभी एक्सेस मिलेगी जब वो पिन को एंटर करेंगे। तो एंटर पिन क्या है, इंक्लूड है इन सारे यूज केसेस के लिए। तो एंटर पिन यूज केस जो है वो इंक्लूड रिलेशन रखेगा इन सारे यूज केस के साथ, तो ये मैंडेटरी है। फिर आइडेंटिफाई जनरलाइजेशन, तो अगर आप मनी विदड्रॉ कर रहे हो तो या तो आप सेविंग से करोगे या करेंट से करोगे, तो ये क्या हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, किसके, विदड्रॉ सेविंग और करेंट के बीच में। फिर अब फाइनल स्टेप हमारा क्या रहता है, ड्रॉ यूज केस डायग्राम। तो ये जो है हमारा यूज केस डायग्राम है एटीएम मशीन के लिए। यहाँ पर हमारा यूजर होगा प्राइमरी एक्टर, और मेंटेनेंस इंजीनियर भी होगा प्राइमरी एक्टर, और प्राइमरी एक्टर हमेशा लेफ्ट साइड रहते हैं सिस्टम बाउंड्री। ये जो बॉक्स है ये हमारी सिस्टम बाउंड्री है, और इसके लेफ्ट साइड हमेशा क्या बनेंगे, प्राइमरी एक्टर्स, और सर्वर हमारा क्या है, सेकेंडरी एक्टर है, इसीलिए इसको राइट साइड बनाया है। अब इस सिस्टम का नाम क्या है, एटीएम, तो हमने पहले सिस्टम का नाम रख लिया। हमने कौन कौन से यूज केसेस बनाने हैं, विदड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन रीसेट, मेंटेनेंस। विदड्रॉवल भी क्या हो सकता है, फ्रॉम सेविंग एंड फ्रॉम करेंट, तो ये जनरलाइजेशन हो गया। अब प्रिंट रिसिप्ट विड्रॉ के लिए क्या है, ऑप्शनल है, तो एक्सटेंड रिलेशन आएगा विड्रॉल और प्रिंट रिसिप्ट, इसीलिए एक्सटेंड लिखेंगे इसके ऊपर, और ये डैश्ड एरो रहेंगे, डैश लाइन होगी
और एरो किसकी तरफ रहेगा, बेस यूज केस की तरफ। फिर विदड्रॉ करो आप मनी, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी करो, चाहे पिन रीसेट करो, चाहे मेंटेनेंस करो, आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर पिन करनी पड़ेगी। तो ये सारे एरो एंटर पिन की तरफ आएंगे सभी यूज केसेस से, और इंक्लूड लिखा रहेगा कि ये कंपल्सरी यूज केस है। अब जो यूजर है वो किस यूज केस से रिलेशन रखेगा, विथड्रॉ कर सकता है वो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, पिन रीसेट कर सकता है, लेकिन क्या मेंटेनेंस कर सकता है क्या, नहीं। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। मेंटेनेंस इंजीनियर होगा उसका मेन, वो किससे रिलेशन रखेगा, कौन से यूज केस से रखेगा, मेंटेनेंस से। और जो सर्वर है ये सभी यूज केसेस के साथ इन्वॉल्व होगा, विथड्रॉ के साथ भी, एंटर पिन के साथ भी, बैलेंस इंक्वायरी के साथ भी, पिन रीसेट के साथ भी, और मेंटेनेंस के साथ भी। तो यहाँ पर ये जो सर्वर है वो सभी यूज केसेस के साथ केसेस से कनेक्टेड होगा, क्योंकि सभी से वो इन्वॉल्व है।